अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमा स्टोरी मेकओवर्स। और मेरे चैनल पे बकायदा एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है गिफ्ट्स हॉल के नाम से। जैसे मेरी फैमिली से कोई भी कहीं पे भी जाता है और मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आता है या मुझे बर्थडे या एनिवर्सरी पे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं मेरी उन वीडियोज़ पर। तो अराउंड नवंबर के मंथ में मेरी अम्मी गई थी उमरा करने, तो वहाँ से वो मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी। बट जैसा कि मैंने बताया आप सबको पहले ही कि मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही हूँ अपने चैनल पे, सो जिस वजह से मैं वो पोस्ट नहीं कर पाई थी। बट मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया और इंशाल्लाह मैं कंसिस्टेंट रहूँगी एंड प्रॉपर मैंने प्लानिंग भी कर ली है। और वो भी मैं आपको बता दूँ कि लाइक वेनेसडे, फ्राइडे और संडे को आपको मेरे चैनल पर व्लॉग्स मिलेंगे, वेदर लॉन्ग और शॉर्ट, लेकिन इन्हीं दिनों में मिलेंगे। एंड अगर किसी भी ब्रांड की डिमांड होगी किसी पर्टिकुलर डे पे तो बात अलग की है, अदरवाइज मैं ऐसे ही करूंगी। और कुछ भी लाइक फेस्टिव सीजन होगा या कुछ भी होगा तो मैं प्रॉपर पहले से ही प्लान करके इन्हीं दिनों में ही उसे लाइक प्रायोरिटी मैं पोस्ट कर दूंगी। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। और अब मैं बिना किसी डिले के आपको गिफ्ट्स बताती हूँ कि मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरे पास कुरान शरीफ पहले से भी था सऊदी का ही, जब मैं गई हूँ उमरा करने तो वहाँ पे मेरी कज़न है हेमाप्पी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। मैं उनका नाम बता रही हूँ, आई होप कि वो वीडियो देख रही होंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। एंड इस बार मुझे एक फिर से कुरान शरीफ मिला है और ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है। ये सारे गिफ्ट्स उन्होंने ही मुझे दिए हैं, सो मैं आपको शो करती हूँ जितने भी हैं। सो ये देखिए इस तरीके से है ये माशाल्लाह से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि रमज़ान से पहले मुझे ये मिल गया। इंशाल्लाह इस बार मैं इसी से तिलावत करूँगी, क्योंकि मेरा वो वाला पूरा भी मुकम्मल नहीं हो पाया, उसको मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह मैं इस कुरान शरीफ से स्टार्ट करूँगी। कि मैं आपको दिखाती हूँ, जा नमाज भी मिली है और ये फैब्रिक इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ये इस तरीके की है, वाइट पे है, ऑफ वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर बैतुल्ला भी बना हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ी ये इस तरीके से आएगी। प्रॉपर बैग पे भी इसके काफ़ी अच्छा काम हो गया, इतनी अच्छी फील ये दे रहा है कि आपको बता नहीं सकती, ये बहुत खूबसूरत है। तो अभी तक मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया था, मैंने यही सोचा था कि इंशाल्लाह रमज़ान में मैं इसको यूज़ करूँगी। ऐसे मिलता जा रहा है, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। सो मुझे ये एक बहुत ही क्यूट से गिफ्ट पैक में उन्होंने मुझे एक तस्वीर भी गिफ्ट की है, जो मैं आपको शो करती हूँ। ये पूरे वाइट क्रिस्टल्स की है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। सो ये भी मैंने इसीलिए रखा हुआ था कि मैं रमज़ान के महीने में ये सारी चीज़ें निकालने वाली हूँ। एंड इसके अलावा मुझे एक ये मिला है, इसको प्रॉपर इस तरीके से मेरे हाउस के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मदीना शरीफ बना हुआ है और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इस तरीके से लास्ट में आएगी। सो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे भी अपना रमज़ान के लिए डेकोर करना है और मुझे अपना प्रेयर कॉर्नर भी बनाना है, अपने चैनल पे आप सबके साथ शेयर करना है, तो इंशाल्लाह तब मैं इसको वहाँ पे ज़रूर लगाने वाली हूँ। एंड इसके साथ साथ मुझे आई गेस मकना बोलते हैं, मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, बिकॉज दुपट्टे कभी कभी ऐसे होते ना कि कॉटन एक प्रॉपर रखना पड़ता है आपको अलग से नमाज के लिए, इस तरीके से सही रहता है। इसका नेक कुछ ज़्यादा था तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है, इस तरीके के फैब्रिक का है ये, लॉन्ग बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट कमर तक आता है, लेकिन नमाज के लिए बहुत फिट है। मैं मिसलिने से ऐसे दिखा देती हूँ, ये हो गया ऑलिव ऑयल जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और मिली थी वांगी स्पेशलिटी, इसी तरीके से मैंने आप जमजम ले लिया था, बहुत बड़ी बॉटल में मैंने नहीं लिया है। और ये एक बहुत ही क्यूट सी उन्होंने मुझे लिपस्टिक दी थी, ये इस तरीके से निकलती है लिप्स के शेप में, एंड मैं आपको थोड़ा सा शो करती हूँ। ये बहुत ही डार्क है बट ये बहुत ही ड्राई है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जितने लोग भी सऊदी अरेबिया जाते हैं उमरा या हज पे, सो प्लीज़ डोंट बाय मेकअप फ्रॉम देयर, क्योंकि मेकअप वहाँ का बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अगर आप दुबई जाते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं अच्छे ब्रांड का, बट इट्स ओके, मुझे गिफ्ट मिला है, सो क्यूट है, अच्छा है। नेक्स्ट मुझे ये एक फ़ैन दिया है उन्होंने, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ मेकअप आर्टिस्ट में, बहुत बार आप लोगों को वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो मुझे वो मशीन वाले नहीं अच्छे लगते, तो इस तरीके से बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, कहीं और भी जाना चाहूँ तो भी मैं ले जा सकती हूँ, या मुझे कुछ भी लाइक CTM करती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो उसके लिए जल्दी जल्दी वेट करना होता, सॉरी ड्राई करना होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, मेरी लाइक प्रोफेशन से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, ये इस तरीके का एक्चुअल में की चेन है एंड दिस इज़ वॉट एक्चुअली ये एक मिरर है, ओके, सो ये ड्वेल साइड पे है तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी और बहुत ही क्यूट सा है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मुझे उन्होंने दिया था, ये मुझे वॉच सेट दिया था उन्होंने ब्रेसलेट के साथ,
इसको शो करती हूँ, बहुत क्यूट सा है और उसकी पैकेजिंग अल्लाह, उसमें तो मेरा दिल आ गया। बहुत ही खूबसूरत सी है, आप देख सकते हैं फ्लोरल है, बहुत अच्छी है, इसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है और माशाल्लाह से मेरे पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन भी हो गया है, तो इन्होंने मुझे एक ये परफ्यूम गिफ्ट किया है, मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, बट लेट मी जस्ट ओपन एंड शो यू। सो क्यूट बॉटल, ये वाइट कलर की पूरी है और मैं इसकी स्मेल करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसी है। बहुत ही हार्ड है और मुझे हार्ड स्मेल अच्छी लगती है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड ये तो मेरा बेस्ट गिफ्ट है क्योंकि मैं फ्रेग्रेंस लवर हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड अगेन ये जो अतर है ये बहुत ज़्यादा फेमस रहता है वहाँ का, और ये जन्नतुल फिरदौस वाला ये मोगरा बना हुआ है, तो उसी की आई गेस ये स्मेल होगी। इसकी बॉटल भी काफ़ी क्यूट सी है, स्टेप में लेट मी ओपन एंड माशाल्लाह, या इसकी पूरी अतर वाली स्मेल है। लाइक अगर अतर नहीं लगाया तो मैं इसको डेफिनेटली अपनी जानमाज़ों पे इसको स्प्रे करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छी सी वाइप आए, और इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ रमज़ान अलविदा में मैं इसे अपने घर पे स्प्रे करूँगी। तो ये जो मोगरे वाले फूल बने हुए ना, ये प्रॉपर उसकी स्मेल है। वो गिफ्ट की थी, ये बेडशीट है और ये पूरा ऐसी फ्लोरल है, ये काफ़ी अच्छी है। या ये फ्रंट है, इस तरीके से बैग दिया था। ये आई गेस ये दीवान बेडशीट है, नॉट दीवान बेडशीट, ये लॉन्ग पिलोज मिले हैं। पिलो कवर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छी फील आ रही है एकदम। दिस ये एक्चुअली कर्टन टक करने के लिए है, मैग्नेटिक है, ये भी काफ़ी अच्छा है कि अगर समर्स आ रहे हैं तो बहुत ही वाइब चाहिए होती है, थोड़ी सी ब्रीजी सा लगता है, तो फिर अगर कर्टन हटाने हैं तो उसके लिए। सो या दैट्स इट, इतने सारे गिफ्ट्स मुझे मिले थे एंड आई गेस मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, माइट भी एक आध हो इधर उधर रखा हो, मैं उसको लाइक भूल गई हूँ तो स्किप हो गया हो, बट दीज ऑल आर द गिफ्ट्स जो मुझे रिसीव हुए और मैंने आप सबसे शेयर किया। सो आपको भी आइडियाज़ मिल गए होंगे कि आपको किसी के लिए लाना हो तो आप क्या ला सकते हैं, या आपके यहाँ कोई घर से जाने वाला है तो आप उसको क्या डिमांड कर सकते हैं। एंड होप यू लाइक माई वीडियो, जैसे मेरी पुरानी वीडियोज़ आपने देखी हैं, बहुत प्यार दिए, तो वैसे इस वीडियो को भी दीजिएगा। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट्स डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल।